बच्चों, आज हम क्लास 12th लेवल 4 आईटीआईटीज में यूनिट नंबर 6 वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर नेक्स्ट सेशन जो सेशन है आपका सेशन नंबर 10 फ्रेम्स इनलाइन फ्रेम्स और लेयर्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेयर्स। लेयर्स के बारे में सीखेंगे। लेयर्स क्या होता है? लेयर्स आर एडवांस थिंग दैट यू यूज टू फ्लोट कंटेंट टू ऑन टॉप ऑफ अनदर कंटेंट इन वेब पेज। अगर आप वेब पेज में जो आपका कंटेंट है, टेक्स्ट टाइप है या इमेज है, उसके ऊपर कोई दूसरा टेक्स्ट या इमेज आप अपलोड करना चाहते हो, रखना चाहते हो, उसके लिए लेयर्स का प्रयोग किया जाता है। यू यूज दिस व्हेन यू वांट टू इंक्लूड ए पॉपअप रजिस्ट्रेशन फॉर्म या पॉपअप रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो करना चाहते, जैसे आपकी वेबसाइट ओपन हो, उसके बाद वेबसाइट ओपन होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए अपने आप, बगैर यूजर के खोले ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाए, तो आप करना चाहते हो तो लेयर्स के माध्यम हो सकता है। ऐसे मेन्यूज भी आप दिखा सकते हो इसके द्वारा। लेयर्स कैन ऑल्सो हेल्प इन कीप टू कंटेंट सच एज इमेज और ड्रॉप डाउन मेन्यूज फिक्स्ड। आप फिक्स भी कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेन्यूज या इमेज भी फिक्स कर सकते हो लेयर्स के रूप में। लेयर्स आर मैनेज यूजिंग ए स्पेशल एलिमेंट कॉल्ड डिव। जो डिव एलिमेंट है उसके द्वारा लेयर का फंक्शन ऑपरेट होता है। टू इंसर्ट लेयर डू द फॉलोइंग। लेयर इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक नया पेज बनाएंगे, उसको लेयर डॉट एचटीएमएल नाम से सेव करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फिर लेयर्स में जाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे फॉर्म मेनू में, इसको हम डिलीट कर देते हैं। फॉर्म मेनू में जाएंगे, फॉर्म मेनू में जाने के बाद लेयर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे लेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में ये लेयर का पैन ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमें लेयर इंसर्ट करनी है, तो लेयर इंसर्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर्मेट लेयर्स, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, उसके बाद लेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लेयर ऑप्शन पे क्लिक किया जाएगा, तो ये लेयर्स का राइट साइड में एक पेन आ जाएगा। तो इसमें इंसर्ट लेयर टूल है, इस पर जैसे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये इंसर्ट लेयर शो कर रहा है टूल टिप के माध्यम से। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें एक यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा डिप लेयर वन नाम से। अब इस जो एरिया होगा इस बॉक्स का, इसके अंदर आपकी लेयर इंसर्ट होगी, मतलब इसके अंदर आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। जैसे इमेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, फ्रॉम फाइल में, फ्रॉम फाइल में जैसे क्लिक करेंगे तो पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ब्राउज करेंगे इमेज को, जैसे इमेज हमने ब्राउज कर ली, इस पर क्लिक करके क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट आप डाल दोगे जो भी इस इमेज का नाम होगा। फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज इसमें इंसर्ट हो जाएगी। तो ये लेयर वन आपकी बन चुकी है, जैसे यहाँ दिखा रहा है लेयर वन। ऐसे इसके ऊपर आप लेयर टू भी इंसर्ट कर सकते हो। तो दूसरी लेयर इंसर्ट करने के लिए दोबारा इस पर क्लिक करेंगे अगेन, तो लेयर टू आ जाएगी। लेयर टू को हम यहाँ प्लेस करना चाहते हैं। इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आप देना चाहते हो। इसी बीच में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोबारा अगेन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर में, फ्रॉम फाइल में, अगेन सेकेंड पिक्चर, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स दे दिया, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये फर्स्ट लेयर पे ये है और सेकंड लेयर पे ये है, जब दिखा रहा है फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। तो इस तरह से हम लेयर्स में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको देखने के लिए आप अगर इसको प्रयोग करना चाहते हो, तो प्रयोग करने के लिए आप फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद प्रयोग इन ब्राउजर, तो ये लेयर्स के फॉर्म में आपको शो कर देगा। तो फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में, इमेज के ऊपर दूसरी इमेज आपके लेयर्स के रूप में आ गई। ऐसे हम लेयर्स के रूप में अलग अलग फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं वेब पेज के अंदर। जो वेब डेवलपर होता है उसका प्रयोग काफी करता है वेब डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम इसकी पोजीशनिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट एन एचटीएमएल बॉडी, एचटीएमएल बॉडी आप इंसर्ट करते हो, उसके बाद एक टेबल आप इंसर्ट कर सकते हो। टेबल इंसर्ट करने के बाद और कॉलम बना के उसको आप फिक्स भी कर सकते हो। टेबल बनाने के लिए आप इंसर्ट मेनू में जा सकते हो, इंसर्ट मेनू में जाके वहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इसमें जाएंगे तो इंसर्ट में या टेबल मेनू में जाके, टेबल मेनू में जाने के बाद इंसर्ट टेबल ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे टेबल बना के उसको आप फिक्स कर सकते हो, वो मूव नहीं होगी। और फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे जाके
जो टूल बार आपका होगा, इसमें आप जो फिक्स्ड ऑप्शन है आपकी पोजीशन की, फिक्स्ड पे क्लिक करके आप टेबल को फिक्स कर सकते हो। मतलब कोई पोजीशन आप लेयर की फिक्स कर सकते हो इसमें, जो भी लेयर आप बनाते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट करते हो उसको आप फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इसमें ओवर इफेक्ट, मेटा एलिमेंट्स और वाटरमार्क। ओवर इफेक्ट क्या होता है? ओवर इफेक्ट में जैसे आप ओवर इफेक्ट होता है मेटा एलिमेंट्स। उससे पहले मेटा एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मेटा एलिमेंट्स क्या होता है? यू हैव लर्न टू यूज एचटीएमएल एलिमेंट एट्रीब्यूट्स। आपने अभी सीखा एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। जैसे टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कीवर्ड्स हो गया। अगर आप जो वेब पेज बना रहे हो उसका टाइटल देना चाहते हो, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, किस प्रकार का आपका वेब पेज है उसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हो, उसमें क्या क्या मुख्य कीवर्ड्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप अपने वेब पेज में कहीं मैंशन करना चाहते हो, मेटा एलिमेंट्स में आप दे सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो वेब पेज है उसको मेटा एलिमेंट, मेटा डॉट एलिमेंट नाम से आपने सेव कर दिया। उसके बाद आप बॉडी एरिया में जो डिजाइन व्यू है वेब पेज का, उसमें राइट क्लिक करोगे, डिजाइन व्यू के बॉडी एरिया में राइट क्लिक करोगे तो पेज प्रॉपर्टी ऑप्शन आएगा। इसमें पेज प्रॉपर्टीज, इस पर राइट क्लिक, आपने राइट क्लिक करने के बाद में पेज प्रॉपर्टी ऑप्शन आएगा। पेज प्रॉपर्टी ऑप्शन आने के बाद इसमें लोकेशन दी हुई, टाइटल दिया हुआ, पेज डिस्क्रिप्शन, पेज डिस्क्रिप्शन पेज को डिस्क्राइब करना है, इस पेज के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दे सकते हो। जैसे कि आपने टाइटल में इन्फॉर्मेशन देनी है, टाइटल में आप दे सकते हो वेब पेज क्रिएटेड यूजिंग एचटीएमएल एडिटर। अब इसमें आप वो आपका खुल जाएगा पेज प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप मेटा एलिमेंट्स के जो पेज डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, पेज डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने व्यू ऑफर ग्रेट पेज, वेब डिजाइंस, कीवर्ड्स वेब पेज डेवलपमेंट दे दिया, वेब डिजाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, तो टाइटल आपका वेब पेज क्रिएटेड यूजिंग एचटीएमएल एडिटर, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। उसके बाद जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके एलिमेंट सेट हो जाएंगे। कोड में आप देख सकते हैं, तो कोड में जो भी हमने दिया था वो यहाँ पे मेटा एलिमेंट्स का सेट हो गया। जैसे इसके जो टैक्स जनरेट हुए, टैक्स में जो कंटेंट दिया हुआ आपका, कंटेंट टाइप है, उसके बाद वेब पेज क्रिएटेड यूजिंग एस्टिमेटर आ गया आपका, और जो कंटेंट हमने दिया था अपने कीवर्ड में वेब पेज डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन और वेबसाइट डेवलपमेंट, ये आ जाएगा। तो इस तरह से पेज की डिस्क्रिप्शन बन जाएगी और जो भी पेज को व्यू करेगा तो वो देख पाएगा भी पेज का पर्पज़ क्या है, क्या मैटर है इसके अंदर, किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया, क्या डिस्क्रिप्शन है, वो तो नोट कर सकता है इसकी डिस्क्रिप्शन देख के। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइंग बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड पेज की बैकग्राउंड कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें आप बैकग्राउंड में क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं उसको सीखेंगे। तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू के बॉडी एरिया में राइट क्लिक करते ही एक छोटा सा मेन्यू ओपन होगा, इसमें पेज प्रॉपर्टीज में जाएंगे। पेज प्रॉपर्टी में जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में आप बैकग्राउंड पिक्चर लगा सकते हो, बैकग्राउंड सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड पिक्चर ऑप्शन, इस पर टिक करके इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज में फाइल जो ब्राउज करनी है, बैकग्राउंड में जो भी हमने इमेज लगानी है, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की इमेज लगानी है, पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके भी क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो जितना साइज होगा साइज के अकॉर्डिंग वो पूरे वेब पेज पे मल्टीपल वेब पेजेस आ जाएंगे। तो साइज आप बड़ी इमेज का आप साइज लेते हो तो बड़ी इमेज लेते हो तो ऑटोमेटिकली एक ही इमेज आपकी सेट होगी पूरे वेब पेज पे। ऐसे इसमें आप वाटरमार्क भी यूज़ कर सकते हो, तो वाटरमार्क लेने के लिए बैकग्राउंड पिक्चर हटा दिया हमने, जैसे अभी इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेक इट ए वाटरमार्क, वाटरमार्क के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई भी इमेज आप लगाना चाहते हो वाटरमार्क के रूप में यूज़ करना, वाटरमार्क के रूप में यूज़ कंटेंट्स कॉन्टिनेंट्स आ गया, आपको ओपन कर दिया, ओके करेंगे, ये वाटरमार्क के रूप में थोड़ा डिम सा नजर आएगा, वाटरमार्क के रूप में यूज हो जाएगा बैकग्राउंड में। और इसमें और क्या सेट कर सकते हैं आप, इसमें आप जैसे बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, ये हमने हटा दिया बैकग्राउंड पिक्चर, वाटरमार्क हटा दिया, कलर आपने देना है फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दें, बैकग्राउंड कलर जो भी आप देना चाहते हो, से हमने येलो देना है, टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, फोरग्राउंड हो गया आपका ग्रीन। ऐसे आप हाइपरलिंक का कलर भी चेंज कर सकते हो, हाइपरलिंक का सिंपल जो कलर है वो लिंक का ब्लू होता है, उसके विजिट मतलब क्लिक कर दिया उस लिंक को, विजिट कर लिया उस लिंक के द्वारा जो भी फाइल वगैरह
ओपन होती है वो हो गई है। तो विजिट लिंक का कलर इस तरह से हो जाएगा, उसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। एक्टिव जो हाइपर लिंक है, एक्टिव में से माउस पॉइंटर ले जाते हो तो एक्टिव में, या ओवर ओवर्ड में क्या हो तो माउस पॉइंटर ले जाओ तो ओवर्ड में इस तरह सा जाएगा। तो कलर पेड के द्वारा आप इसमें अलग अलग एक्शंस में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कलर आप चेंज कर सकते हो। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से बैकग्राउंड जो कलर हमने दिया था वो हम सेट कर दिया हमने। ऐसे इसके मार्जिन वगैरह भी आप सेट कर सकते हो पेज का। मार्जिन सेट करने के लिए एडवांस में जाएंगे, एडवांस टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद टॉप मार्जिन कितना आपने देना है, कितना जगह आपने छोड़नी है। मार्जिन का प्रयोग ये होता है बेसिकली, अगर आपने जो वेबसाइट आप पब्लिश करोगे उसके बाद ऐड वगैरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह अगर आपने देनी है बाद में वेबसाइट में तो आप दे सकते हो। तो मार्जिन आप छोड़ सकते हो जिस एरिया में आपने एडवर्टाइजमेंट दी है, लेफ्ट टू राइट में से आप मार्जिन यहाँ से छोड़ सकते हो, मार्जिन ऑप्शन का प्रयोग करके।